कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे। आज मैं आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने आई हूँ, आइए उस बिजनेस के बारे में स्टार्टिंग से कुछ कहती हूँ। शुरुआत हुई है दोस्तों इस उम्मीद से कि एक दिन स्वराज होगा मेरे राज्य में। और उम्मीद है ये दोस्तों कि साथ आपका होगा इस राज्य में, आपका मेरा साथ होगा इस राज्य में। दोस्तों आज मैं बात करती हूँ एक ऐसे बिजनेस की जो हमारे लिए, हमारे एरिया के लिए, हर जगह के लिए बहुत सूटेबल है। दोस्तों आज मैं बात करती हूँ आपको गेहूँ पिसाई, मसाला पिसाई करने वाले मशीन की, जिसे हम पल्वराइजर कहते हैं। आप देख रहे हैं ये पल्वराइजर है, ये कम्प्लीटली एसएस बॉडी में होती है। और इसका प्रोडक्शन, इसके प्रोडक्शन की बात करूँ तो घंटे में 35 से 50 किलो इसका प्रोडक्शन है। इतनी छोटी सी मशीन है दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पे चलने वाली सिंगल फेज की ये मशीन है। ये इसमें आप बड़ी अगर लेना चाहते हैं तो बड़ी भी मिल जाती है। इसमें आप हर तरह के मसाले की पिसाई करते हैं। जैसे कि अब अगर हम बात करते हैं मसाले में हल्दी की, तो हल्दी की पिसाई करने के लिए दोस्तों इसमें आप हल्दी की पिसाई कर दिए और उसके बाद उसमें अपना ब्रांड लगा के पैकिंग करके आप उसको मार्केट में उतार रहे हैं, तो आपको कितना अच्छा मुनाफा हो सकता है। और उसके अलावा जो दोस्त भाई बंधु मेरे अपने एरिया में एक मिल बैठा हुआ है जो बहुत पुराना चक्की मिल है और उसमें पत्थर का मिल है, तो उसमें मसाले जो होते हैं वो काले हो जाते हैं। दोस्तों बात करूँ आपके गली मोहल्ले एरिया की, तो अगर पुराने पत्थर वाली मिल है तो उसका मसाला चिपचिपा हो जाता है। गेहूँ से जब आटा की या मैदा की पिसाई होती है तो उसमें कालापन आ जाता है या फिर किनकिनापन आ जाता है। पर इस एसएस बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें कई तरह के ब्रशेज नेट मिलते हैं आपको, इसमें कई तरह के नेट होते हैं जिससे आप अलग अलग तरह की पिसाई कर सकते हैं, मसाले की, आटे की, गेहूँ की, हर तरह की अलग अलग, जैसा मोटा मही जैसा पिसवाना है वैसा पिसवाते हैं लोग। और इसके साथ साथ ये काफ़ी, आप देख रहे हैं, काफ़ी इजीली है। इसमें काफ़ी अच्छे से सफाई धुआई सब हो जाती है। ये स्विच बटन है, ये आपको, आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसमें ड्राई स्पाइसेस के लिए अलग है, इसमें आपको गेहूँ पीसने वाला, चीनी पीसने वाला, दाल पीसने वाला, ड्राई स्पाइसेस पीसने वाला, सब तरह के अलग अलग स्विचेस दिए हुए हैं। और इस तरह से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी इजी है, इसको ऑपरेट करना काफ़ी इजी है। और इसके साथ साथ जब आप मशीन लेके जाते हैं तो मशीन में हमारा टेक्नीशियन जाता है जो आपको ट्रेनिंग देता है, आपको इंस्टॉलेशन देता है, एक साल की सर्विस देता है, हर तरह की सुविधा हम देते हैं। दोस्तों आपको अगर कहीं भी मशीन चाहिए और आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन भी परचेस करवाते हैं। ऐसा कोई भी इश्यूज नहीं है जो इस मशीन को लेके आपको क्लियर नहीं किया जा सकता है। बहुत छोटी सी मशीन है, काफ़ी ईजी है, आप इसको बहुत ईजिली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ईजिली से कहीं भी घर के एक बालकनी में या फिर घर के हॉल में कहीं भी चला के आप 2 रुपया अर्निंग कर सकते हैं। आपको इसके लिए अलग से बंदे की रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप घर में कभी भी 1 आध घंटा 2 घंटा 10 घंटा जैसे आपको चलाना है, क्योंकि अगर 1 घंटा का इसका 35 से 50 किलो, हम एवरेज 40 किलो भी लेके चलते हैं दोस्तों आपके अनुसार, तो 10 घंटा में 400 किलो इसका पिसाई करता है। अगर पर पिसाई आपको 1 रुपया से 2 रुपया भी मिलता है तो पर डे का आप 500 से 800 रुपया अर्निंग कर सकते हैं। अगर 2 रुपया भी आपको पिसाई मिल रहा है तो 400 किलो का 800 रुपया आपको पर डे आता है। 800 रुपया दोस्तों आप पर डे इजिली कमा सकते हैं इस मशीन के थ्रू। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि ये आपके पैसे को कैसे बढ़ा रहा है, टोटली ये आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस तरह की बहुत छोटी सी मशीन, बहुत छोटा सा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 30,000 से शुरू होने वाला, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 30,000 से शुरू होने वाला ये बिजनेस है। और इतने छोटे अमाउंट में एक बिजनेस शुरू करके आप अगर पर डे का 1,000-1,500 कमा रहे हैं तो दोस्तों आप कहाँ बैठे हैं, आइए और आके मशीन परचेस कीजिए। क्योंकि हर एरिया में ऐसा नहीं है कि कोई गेहूँ ना पिसवाता और मसाले ना पिसवाते हो। ये बहुत अच्छी, बहुत यूजफुल मशीन है और बहुत ज़्यादा ये आपको अर्निंग करा के दे सकती है, क्योंकि लोगों के यहाँ अभी जो ट्रेंड चल रहा है, लोगों को मार्केट से कुछ भी परचेस करना होता है तो उन्हें लगता है ये मिलावटी है, तो लोग उसे अगर आँख के सामने मिल है तो पिसवाना बहुत पसंद करते हैं।
पर लोग अभी मिल नहीं रहा, और जो मिल है उसमें पिसवाने में काफ़ी लंबी लाइनें लगी रहती है, मैंने देखा है। अगर इस तरह का मशीन आप अपने एरिया में रख लेते हैं, आप अपने घर में लगा लेते हैं, तो वो लाइन आपके घर के सामने लगी रह सकती है। तो दोस्तों बातों पर ध्यान न दें, सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान दें दोस्तों, आप बस इस बात पर ध्यान दें कि आपका अर्निंग का सोर्स कैसे आ रहा है। आपको जब ज़रूरत है तो कोई आपको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आप हैं जो आप खुद की हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी हेल्प खुद करें, एक बिजनेस लगाएं, अपने फैमिली के साथ रहें, बिहार के बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बिहार में हमसे ये मशीन परचेस कर सकते हैं, ये हमारा सेटअप बिहार में भी है, गाज़ियाबाद में भी है। आपको अगर और भी किसी तरह की मशीन की ज़रूरत है तो हमारे पास पूरा अंबार पड़ा हुआ है। आपको जैसी मशीन की ज़रूरत है आप हमें बताएं, हम वो ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने दोस्तों को निराश ना करें। दोस्तों विशेष चीज़ के लिए मैं आपसे बस यही कहूँगी कि हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर स्वरोजगार चाहते हैं तो हमारे चैनल को पास करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में अगले बिजनेस के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।